जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, मैं आप सबका अहमदाबाद में कर्ण दोष निवारण केंद्र में आपका सहदिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मुझे ये बड़ी खुशी है कि मेरे जितने भी पेशेंट हुए हैं, जो भी पेशेंट अब तक आए हैं, कम हजारों की संख्या में ही, उनमें से किसी को भी कोरोना वायरस नहीं हुआ है। लगभग बीमारियां भी बहुत कम होती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शक्ति संपन्न के ऊपर प्रहार करना किसी का संभव नहीं है। शक्ति संपन्न शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर के ऊपर मनुष्य को शक्ति संपन्न होना जरूरी है। फिर से कहता हूं कि शक्ति संपन्न बलिष्ठता के साथ साथ भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ढंग से भी मनुष्य को शक्ति संपन्न होना जरूरी है। और मनुष्य को, सभी प्राणियों को मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है कि सब अपना एक ओरा बनाएं, ओरे में रहे। ओरे में क्या होता है? ओरा बनाने मतलब एक चक्र होता है, वो विचारों से होता है, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, भावनात्मक होता है और फिजिकल ओरा भी बनता है। वो ओरा बनाने का मतलब क्या है कि उसके अंदर लगभग लगभग कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और ये ओरे की जो बात है वो युगों से चली आ रही है, परंतु इस संसार में अभी कुछ दौड़ ऐसी हो गई कि मुख्य चीजें लुप्त होती जा रही है। तो आज मैं आपको दो चीजों के ऊपर खास कहना चाहता हूँ, एक तो ओरा और एक शरीर के विभिन्न प्रकार के, हमारे जो पूरा शरीर है उसको शक्ति संपन्न बनाने के लिए हमें कुछ मसाज थेरापी, कुछ पॉइंट, कोई आपके ट्रीटमेंट की पद्धति में इसलिए परिवर्तन करना चाहता हूँ कि दवाइयों के साथ साथ में दवाइयाँ लगे तो इसके लिए खून का संचार सही होना, पॉइंट खुलना, इंद्रियां खुल जाना, पंचेंद्रिय को मतलब कि बराबर से जागृत करने से और सर्कुलेशन बढ़िया करने से, हमारी जो दवाइयां है वो सूक्ष्म है। होम्योपैथी दवाई का मतलब है परमाणु ऊर्जा और होम्योपैथी चिकित्सा। होम्योपैथी चिकित्सा सभी चीजें, सभी दवाइयां परमाणु ऊर्जाओं से युक्त है। उनकी शक्ति ऐसी होती है कि दवाई गई तो दवाई लगनी ही है, दवाई सत्य है, दवाई लगेगी। और इसके लिए कोई भ्रम नहीं करना है कि दवाई लगेगी नहीं लगेगी। तो अब प्रश्न आता है कि उस दवाई को सुचारू रूप से शरीर में लगने के लिए, और यदि कभी आपके पास में दवाइयाँ कम हो जाए, बेसी हो जाए, छूट जाए, दवाइयाँ छोड़नी हो, बंद कर देनी हो, तो आपको कुछ तरह के पॉइंट बताना चाहता हूँ। वो पॉइंट नहीं, एक तरह के मसाज है, पॉइंट है सूचनी की, दिमाग को व्यवस्थित करके, पूर्वाग्रह छोड़ करके सीखें। एक पहला प्रयोग, आपके हम कान संबंधी रोगों से पीड़ित हैं, इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप कान के प्रयोग पहले करें। कान का अंदर पहला प्रयोग क्या है कि सबसे पहले कान में अंगुली डालें इस तरह से, और बढ़िया से हिला के कान को हिलाएं, खोलिए, फिर करिए, फिर खोलिए, फिर नॉर्मल होने से कान, हाथ में कुछ आप तेल वगैरह, सरसों का तेल, नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, पास में भी रख सकते हैं। और आइए दूसरा प्रयोग, नंबर दो। ये प्रयोग के अंदर ये कान का ये जो भाग है, ये भाग, ये पॉइंट, ये कान के ऊपर का जो भाग है, ये और यहाँ तक का, ये पांच, ये इंद्रिय बड़ी जबरदस्त है। ये इंद्रिय ऐसे काम करती है, वो पूरा ईएनटी को कंट्रोल करने का सिस्टम है। यही नोज के, यही कान के, यही मस्तिष्क के, यही सर्दी के, और यही वायरस के, और यही पर से वायरस भी अटैक होता है, और यही से पूरा गला ईएनटी कंट्रोल होता है। जो हवा यहाँ से गई, जो खाना गया, जो सुगंध ली, वो सब यहाँ से कंट्रोल होता है, और मस्तिष्क के साथ में उसका कोऑर्डिनेशन जबरदस्त है। तो उसको पॉइंट करने का तरीका ये है कि पहले आप ये पॉइंट धीरे धीरे अपने हाथ से, दूसरों से न करवाएं, धीरे धीरे करें दवाएं। थोड़ा सा गले में उतरेगा, चिंता न करें, और यहाँ तक ले आए
और ये जो पॉइंट है दोनों कान के, ये इसको कान को बंद करें और दबाएं, खोली दबाएं बंद करें, खोली दबाएं बंद करें, खोली दबाएं बंद करें, थोड़ा आगे पीछे करें, डरे मत। ये रहा पूरा भाग, ये रहा, और यहाँ से यहाँ तक पूरे भाग को, और यहाँ से यहाँ तक के पूरे भाग की मसाज करें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और मस्तिष्क तक ले जाएं। ये मस्तिष्क तक धीरे 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 शांति के साथ में दबाते हुए, अपना सिर दबाते हुए, और अपने हाथ से धीरे धीरे मस्तिष्क के अग्रभाग पर अपनी थप्पड़ थेरापी करें। ये थप्पड़ थेरापी है, और धीरे धीरे खुद ही करें, जितना सहन है उतना करें। ये बहुत अच्छी चीज है, और ज्यादा न करें, तेज न करें, धीरे करें, तो धीरे का भी प्रभाव बहुत अच्छा होगा। जितनी देर करेंगे आपको अनुभव होगा कि अरे वाह बहुत अच्छा होगा। शरीर का सर्कुलेशन, मस्तिष्क के सर्कुलेशन, और हमारा जो ऊपर का जो पिट्यूटरी से लेकर के यहाँ का जो भाग है वो सब जागृत होता है। ये वापिस आ जाइए कान के भाग के ऊपर। तो अभी एक प्रयोग और है, कान में अंगूठा डालिए और अंगुली को यहाँ लीजिए और गहरी लंबी सांस ले लीजिए, और एक मिनट के लिए जितना भी रोक सके रोके। अंगूठे को जितना हो सके अंदर दबाएं कान में, और दबा के रखें, हवा ना आने दें, पिस्टन की तरह काम करें, और ये देखिए इस ढंग से मसाज करिए। ये रहा ये भाग कभी अड़े ही नहीं होंगे, आप लोग हाथ भी नहीं लगाया होगा। ये रहा ये भाग, ये रहा साइनस पॉइंट। यहाँ से आ जाइए धीरे 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 धीरे, प्रैक्टिस करने से आएगा। अब आइए पीछे के भाग में, ये रहा मेडुला के पास में, नीचे गर्दन से ऊपर धीरे धीरे, अंगूठा दबा के ही करना है कान को बंद करके। फिर वापिस आइए कान के पीछे के पॉइंट पर, ये रहा एक हड्डी है जो कान के ऊपर लगी हुई, कान के बाहर आती, कान को, अच्छा कान की जो हमारी भाग हैं इनको आप थोड़ा दबाएं, खींचें, उसको जो है सोने नहीं दें, जागृत करें ऐसे। और ये भी हो सकता है ये जबड़े को इस आदमी इसका संबंध है, थोड़ा प्रयोग कर लीजिए, फिर वापिस आइए ऐसे धीरे धीरे पॉइंट करिए। ये धीरे धीरे पॉइंट करिए यहाँ पर, पूरा साइनस का ये जो ईएनटी है, पूरा का पूरा भाग मस्तिष्क का, गले का, यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक गले तक, और बढ़िया से दबाइए ऐसे, इतना दबाइए कि आपको आराम मिले, जोर ज़्यादा नहीं लगाए, ज़्यादा ज़्यादा धीरे नहीं करें, धीरे करने से कोई नुकसान ही होगा, परंतु ज़्यादा जोर लगाने से थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पर थोड़ा सहता सहता तेज करना है, आपको सहन उतना तेज करें। और ये रहा अंगूठा, ये रहा जबड़ी का और यहाँ का कान का भाग, इसको दबाते हुए यहाँ तक गले से उतारना है। ये देखिए ये रहा, सामने ज्यादा न करें, इतना ही करें साइड में ही। ये रहा एक बार सामने कर सकते हैं, एक या दो बार ऐसे कर लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक ले आइए, यहाँ से यहाँ तक ले आइए, पीछे लाइए और पीछे लाइए। ये देखिए ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, फिर से बार बार यहाँ पर फिर से। घबराएं नहीं, कुछ नहीं होगा, अपने हाथ से ही करना है, दूसरे से करवा सकते हैं पर इतना बढ़िया नहीं हो कर पाएगा, वो खुद ही अपने हाथ से कर पाएंगे। आप करके देखिए, खोपड़ी सब गंदगी से खाली हो जाएगी,
सब भाग नीचे उतर जाएगा, सभी पंचेंद्रियां जागृत हो जाएगी। शक्ति संपन्न बनने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपनी इंद्रियों को बस में करें, पांचों इंद्रियों को बस में करें। ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सीधे पॉइंट पर आ जाइए। और सीधे मुद्दे पर यह है कि ये भाग को पूरा का पूरा जागृत करना है। यदि आपने सरसों का तेल लगा लिया है तो नहाना जरूरी है, नहा करके उतार दीजिए, सरसों की गर्मी होती है। सरसों का तेल लगाने से फायदा यह है कि ये जो सिर के ऊपर जो बाल होते हैं वो निश्चित आ जाते हैं और काले आते हैं। बालों के बारे में ये है कि जहाँ जहाँ भाग में बाल कम होते हैं या नहीं आते हैं वहाँ पर नींबू भी घसा जाता है, या जिनके चांद पड़ जाता है बिल्कुल, उन लोगों को हम लोग कहते हैं कि आप नींबू घसने के बाद में आंवला और द्राक्ष मुनक्का द्राक्ष का पेस्ट जो पाउडर बना हुआ है उसका पेस्ट बना के लगाएं, और सिर पर लगाने से कई दिन लगाने से जो है वो बाल आ जाते हैं, काले आ जाते हैं। और होम्योपैथी दवाई का नाम है विषबेटन। विषबेटन का प्रयोग बड़ा ज़बरदस्त है, होम्योपैथी दवाई दुकान में जाएंगे तो मिल जाएगा। यदि आप विषबेटन मदर टिंचर लगाते हैं, खाते भी हैं, उसके बाद में पोटेंसी बढ़ाते बढ़ाते 1 mm और CM और TM तक जाते हैं, 10 mm तक जाते हैं। 10 mm जाने के बाद में बालों में निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाता है, और उसका प्रयोग किसी योग्य डॉक्टर के साथ में या हमारे संपर्क में रह के करें। दवाई आप अपने आप बाजार से खरीद करें। ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में ये बीच में बता दिया है। और कान के बारे में मैं बताता हूँ बार बार कि मूलिंग ऑयल बाजार में सब जगह मिलता है, हमारे यहाँ से तो जाएगा ही, दवाइयों में मिक्स होता ही है और पोटेंटाइज होता है, परंतु आपके यहाँ पर मूलिन ऑयल SBL का या अन्य कंपनी का जिसका भी बढ़िया मिलता है उसके ड्रॉप डालने की आदत डालें। कान में डालिए, खाली कर दीजिए, रात को सोते में एक बूंद डाल लीजिए, पर रखें नहीं। कोई भी दवाई कान में स्थिर अंदर रहनी नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग जो VIP गोल्ड और गोल्ड VIP और उसके बाद में मूलन या जो भी सपोर्ट दवाइयाँ देते हैं, कहते हैं कि VIP डालने के बाद में 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट रखने के बाद में खाली करो, खाली करने के बाद में फिर गोल्ड डालो, और गोल्ड डाल के फिर खाली करो, फिर VIP एक बूंद डालो, तब जा करके आपके कान की जो है पांचों इंद्रिया जो है कान की अंदर की जो पांचवी इंद्रिय है वो खुलती है और आश्चर्यजनक रूप से खुल जाती है। सुनने की क्षमता वही बढ़ने लगती है उसी समय, ये निश्चित है। और मेरे सारे के सारे प्रयोग इसी चीज़ पर आधारित है, और इसी के वीडियो सोशल मीडिया पर लगभग हजारों हजारों की संख्या में डाले हुए हैं। मैंने बिल्कुल जन्म के बहरों का इसी से इलाज करता हूँ, बाद में आए हुए बहरापन का करता हूँ, होम्योपैथी दवाइयाँ सपोर्ट में देता हूँ, बताता हूँ ये दवाइयाँ बेटा, ये दवाई ऐसे लो, ये दवाई ऐसे लो, ये पॉइंट है। पर दवाइयों की दोस्ती मत करो, दवाई का काम है, काम किया दवाई की। कुछ लोगों को ये लगता है कान खुल गया तो रोज दवाई डाले, अरे नहीं भाई, हम तो इस दवाई को 7 दिन में 10 दिन में 15 दिन में महीने में एक बार डालने के लिए कहते हैं, जैसा पेशेंट। मैं तो कहता हूँ आजकल मैंने नया प्रयोग कर दिया कि कान खुल गया सब ठीक है, बंद नहीं हो तो मत डालना, फिर महीने में एक आध बार चक्कर आए तो नंबर डालना, नहीं तो मत डालना। अब आइए वापिस गले के साथ साथ में आगे के प्रयोग, यहाँ तक का ये प्रयोग गले का पूरा ENT की सामान्य मीठी मीठी मसाल चाहिए, जहाँ पर आपको मसाज ऐसी जगह बैठ के करिए जहाँ शांति से कर सकते हो। आप AC में कर सकते हो, धूप में कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, अंदर कर सकते हो, जहाँ जाए वहाँ कर सकते हो। अब आगे की बात है, अब आइए हथेलियों के पॉइंट, इसके साथ में बड़े इम्पोर्टेंट है। एक अंगूठे का प्रयोग, ये भी बड़ा ज़ोरदार है, ये दबाने से ये जागृत होता ही है ये। इसके बाद में यहाँ के पॉइंट, जहाँ भी दबाओगे वो सारा वो हम कहते हैं कि शरीर का कोई भी भाग एक पॉइंट से पूरे शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ये भाग है, जिनको हार्ट में तकलीफ है, वायु होगी, गैस होगी, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये पॉइंट करवाते हैं यहाँ पर यहाँ का, इस हथेली की इस भाग का पॉइंट करवाते हैं, यहाँ करवाते हैं। और पॉइंट करने का तरीका क्या है, पॉइंट कहिए या इसको बिंदु प्रेशर कहिए या मसाज कहिए या आपको मर्म थेरापी कहिए, जो भी कहना है। जैसे ये है, ये दबाया तो आपको जब तक दबाना है जब तक कि एक पूरा शब्द पूरा न कर सके। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। आप हिंदू हैं तो हिंदू ढंग से कहिए, मुसलमान है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह पूरा करिए, इल्लल्लाह 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 7 बार करिए। थोड़ा लंबाइए भगवान सब में। इल्लल्लाह का मतलब क्या है भगवान? इल्ला इल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये अलग भाषा में शब्द बनाए गए हैं, मुसलमान होने के कारण से अलग लगता है। हिंदुओं को कहिए हे भगवान, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, तो हिंदू बड़े खुश होते हैं। मुसलमानों को कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़ा खुश है। बाद यही कहता, हिंदू कहता वो मुसलमान कहता है, मुसलमान कहता वो हिंदू कहता है, परंतु बाद में सब कहानियां जोड़ते हैं, वो बहुत बुरी बात है। यदि इतनी सी बात संसार करे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हे भगवान आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपके सिवाय कुछ नहीं है, तब तक पूरी की पूरी फिलॉसफी इसमें आ जाएगी, संसार की पूरी फिलॉसफी, और थोड़े ही दिनों में अंदर की प्रेरणा लग जाएगी, यदि साथ में कोई मंत्र न जोड़े तो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आपसे ऊपर कोई नहीं है, आपके सिवाय कोई नहीं है, ये संकल्प के साथ में प्रयोग करें। मुसलमान है तो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे न जोड़े कोई भी शब्द। आप जितने जोड़ेंगे उतने शब्द फिलोसोफिया बढ़ जाएगी। केवल ईश्वर का ध्यान करना है तो एक ही पंथ संप्रदाय सबका त्याग करो और एक ही बात करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, हे भगवान आपसे बड़ा कोई नहीं है, हे भगवान आपके सिवाय कुछ। और भगवान मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरी दुनिया, कण कण में भगवान, मतलब सारा संसार, मेरा जीवन, आपका जीवन, सब ईश्वरी तत्वों में आ गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपने देखा होगा शेर का थोड़ा मुख आदमी जैसा लगता है, आदमी का मुख कभी कभी शेर जैसा लगता है। प्राणी बदलते रहते हैं, संसार के अंदर प्राणियों का जेनेटिक परिवर्तन होता है, वो सब ईश्वरीय शक्तियों के कारण से, विचारों के कारण से होता है। आप जितने अच्छे विचार रखेंगे उतना ही अच्छी आपका व्यक्तित्व तो बनता जाएगा। यदि आपने क्रोधित और शेर की तरह रहेंगे तो शेरमुखी हो जाएंगे, बकरी की तरह रहेंगे तो बकरी मुखी हो जाएंगे, हाथी की तरह रहेंगे तो हाथी मुखी हो जाएंगे। मतलब कि शरीर के अंग, जैसे आपने देखा होगा ऐसे प्राणी हैं जिनकी नसें बहुत बड़ी लंबी है, वो ऐसी जगह रहते हैं जहां उनको लंबी नस करके आप एक प्रयोग करना है तो किसी भी अंग के ऊपर यदि प्रयोग करेंगे तो दबाएंगे तो धीरे धीरे वहां सर्कुलेशन चालू हो करके वो आपके पूरे शरीर को स्वस्थ करता है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट केवल आपके कान को स्वस्थ करता है ऐसा बात नहीं है, कान के अलावा पूरी पांचों इंद्रियों को जागृत करता है, सुखी करता है, सरल करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है। और जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि वो लोग जब एक बीच में एक बात बता देता हूं, कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है कलर का, कि एक बिंदु, लाल बिंदु यहां पर लगा दो आप, शरीर में थोड़ी ही देर में उष्मा आ जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ग्रीन कलर का बनाओ तो ठंडा लगेगा और शांति मिलेगी। आप कहेंगे ये क्या है, तो पूरी ये कलर थेरापी अलग जाके पढ़े, आजकल इंटरनेट पर बहुत अच्छे अच्छे मसाले मिलेंगे आपको, इतने बढ़िया मैटर मिलेंगे कि कल्पना। मैं समझता हूँ लोग कहते हैं कि इंटरनेट पर, गूगल के ऊपर और ये इसमें यूट्यूब पर बहुत गप्पे मारे, मैं कोई भी गप्पे नहीं है, आपको मालूम पड़ जाएगा गप्पे मार रहा है तो बंद कर दीजिए, और गप्पे नहीं मार रहा है तो आप कुछ सीखिए। मैं गूगल का बहुत आभारी हूँ वास्तव में, यूट्यूब का बहुत आभारी हूँ, सोशल मीडिया का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की है कि आपको बिना मूल्य के अपनी बात विश्व को बताने का मौका मिला है। तो सत्य बताएं ने, असत्य न बताएं, झूठा प्रचार न करें, गंदी बातें न करें, गंदे सीन न डालें, ऐसी चीजें करें कि जिसे आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, आपका भी भला हो। जैसे कल प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि हमारी सारी प्रगति वैश्विक है, संसार को साथ में लेके चलना है। मैं चकरा गया, मैंने कहा ये आदमी कितना महान है, कितनी अच्छी सोच है, मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म सब ठीक है, पर बोला नहीं, इसमें मेरे को वैश्विक वैश्विक संपदा चाहिए, वैश्विक सुख चाहिए, अपना खाना भरना है, मेरा पेट भरना है, तो मेरे साथ में मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त सब भरते हैं ना, तो पूरा संसार पूरा ऐसा ही है। फिर से आ जाता हूँ पॉइंट के ऊपर, तो भैया यहाँ से पॉइंट करिए, अंगुलियों के करिए, हाथ के करिए, हथेली के करिए, दबाते जाइए, डरिए मत, दबाना ही पॉइंट कहते हैं। और तरीका यह है कि एक पॉइंट को दबाना है तो नख नहीं लगाएं और ये सीधा दबाएं और कहें ला इलाहा इल्लल्लाह।
दो बार कहें, इतनी देर दबा के रखें, या करें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतना हो गया। और जो लोग विष्णु का पाठ करते हैं उनको ओम विष्णु 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 विष्णु, एक लंबे श्वास तक जितनी बार विष्णु बोल सके उतनी बार पॉइंट दबाइए। जिनको जो पाठ, माता जी का पाठ करना हो तो आपके माँ के पाठ आप करते हैं, जय माँ जय माँ जय 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 जय, छोड़ दीजिए फिर वापिस, तो दोनों काम हो जाएंगे, मन शुद्धि तन शुद्धि। तो मैंने कहा था शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर अपने को शक्ति संपन्न बनाना है। कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है। देखिए खाने के लिए, शरीर को शक्तिमान बनाने के लिए भोजन है, विटामिन है, टॉनिक है, वह सब चाहिए। मन को विचारों से बनाने के लिए पॉइंट भी चाहिए और उसके साथ में मंत्र भी चाहिए। मंत्र शक्ति में एक मैंने बहुत सुंदर बात पढ़ी थी, आपने देखा होगा लक्ष्मी जी के, भगवान के अलग अलग ढंग से फोटो वो मनुष्य अपनी कल्पना से बनाता, पर मंत्र एक होता है। तो उसमें लिखा है दुर्गा सप्तशती के पत्र, एक जगह है, मंत्र पुरते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्र पुरते मतलब शब्दों में है, मंत्र जो है ना, ईश्वर कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है, वो शब्दों में है। मंत्र पुरते मंत्र पुरते, मंत्रों का जाप सीखो बेटा। सबसे कोशिश यही करो कि मंत्र पाठ, बढ़िया मंत्र, अच्छे उच्चारण, अच्छे गुरु की शरण, अच्छे लोगों से, उनसे प्रार्थना करो कि गुरुदेव मुझे शुद्ध मंत्र सिखाओ। किताब में लेके देखो, पढ़ो। आजकल यूट्यूब में मैं सच करता हूँ बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया मंत्र उच्चारण के साथ भी, बुद्ध का मंत्र, मैं अभी बुद्ध की साधना कर रहा हूँ तो मुझे लगा बुद्ध के मंत्र देखे, बुद्ध के यंत्र देखे, बुद्ध के कलर देखे, बुद्ध का उपदेश देखा, क्या बात है। संसार में मुझे लगा कि केवल बुद्ध की साधना करने से सब कुछ हो जाएगा। मैं कन्या राशि का, तो मैंने सोचा कि जो उसमें लिखा था 24 यंत्र हमेशा जेब में रखे व्यापार उद्योग बढ़ाना है, तो मैंने कहा 24 क्या है, तो मालूम पड़ा नहीं, तो बुद्ध का यंत्र है। यंत्र और मंत्र दोनों है उसमें। एक बढ़िया इसलिए बात बताता हूं, ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बम्बुधाय नमः, मंत्र करते पॉइंट करते समय ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बम्बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बम्बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बम्बुधाय नमः। उसको बुद्ध बुद्ध का पाठ करते समय ग्रीन कलर का ध्यान अवश्य करें। ग्रीन कलर में जो शक्तियां है वो शांति के साथ में उत्पन्न शक्ति का ही उपयोग हो सकता है, क्रोध के साथ में उत्पन्न शक्ति का विनाश होता है। देखिए बहुत बढ़िया बात बताता हूं, यदि शांति के साथ में शक्ति उत्पन्न हो रही है तो सृजन करेंगे, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा और वैश्विक आनंद मिलेगा, विश्व को संतोष दिलाने वाला आनंद। आपकी किरणें, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति, उसको इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री महोदय कब बोलेंगे कब बोलेंगे, और जब बोल रहा था पिन ड्रॉप साइलेंस थी, और एक एक शब्दों में भार पूर्वक स्पष्टता पूर्वक कहा गया है, एक एक शब्द को बहुत बढ़िया ढंग से कहा। कोई निंदा करता है तो उनका भाग्य कमजोर है, मैं तो मानता हूं। जो आदमी चाहे वो प्रधानमंत्री है, बहुत बढ़िया, हमारा सौभाग्य है कि हमें युगों के बाद में बढ़िया प्रधानमंत्री मिले हैं। दूसरे प्रधानमंत्री साधु है तो भी बहुत बढ़िया बात है, दोस्त है तो भी बढ़िया बात है, भाई है तो, पर सही चीजें सही समझे। अब फिर से आ जाता हूं पॉइंट, दूसरी बात है वो हमारी जो बाहें हैं, बाह का जो मध्य भाग है उसको भी दबाना है, ऐसे दबा के रखना है। और वही बात है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे 7 बार 9 बार ऐसे ओम नमः शिवाय। लोग बाहे पर, यहाँ पर जो है ना ताबीज मानते हैं। मैंने समझा यहाँ पर ताबीज क्यों मानते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है। ऐसे ही पैरों के ऊपर आ जाइए, पैरों की है, पैरों की हमारी जो जो पगथली है, पगथली वो और ऊपर का भाग सभी जगह, ये सभी चीजें आपको YouTube गूगल पर बहुत सारा मसाला मिलेगा, आप उनको देखो समझो और धीरे धीरे प्रयोग करना सीखो। एक ही चीज में एक साथ में आक्रमण मत करो, या इतनी ढीले मत पड़ जाओ कि काम ना हो। मेरा मानना है कि यदि मैंने कहा कि मेरे पास में फोन आया कि सर दवाई खत्म होगी क्या करूं, मैंने कहा दवाई मत मंगाना,
पॉइंट करना। बोले क्या सर कैसे होगा दवाई नहीं बिना। मैंने कहा दवाई दवाई की जगह है, दवाई ने काम कर दिया ना, अब दरवाजे खुल गए ना उसके विकास के लिए, स्पीच थेरापी, वर्ड थेरापी और वो सब नितांत आवश्यक है, रीडिंग थेरापी, पढ़ने से भी विद्या, बोल बोल के पढ़ने से भी कान की पंचन की जो इंद्रिय है कर्णेन्द्रिय जागृत होती है, क्योंकि शब्दों का निर्माण है, एक ही कहानी को अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप से सुनने से भी कान के पंचेंद्रिय का पांचवी इंद्रिय का जो हमारे लिए तो विकास होता है। हम रामायण बार बार सुनते हैं, हम महाभारत बार बार सुनते हैं, कि हर बार अलग अर्थ आएगा। चलिए बहुत हो गया, प्रणाम सबको, नमस्ते। फोन नंबर लिख लीजिए 9824853302, फिर से लिखिए 9824853302। गुजराती पढ़ने वाले जो है उनके लिए नया नंबर देता हूँ 9963868064, फरीवर 9963868064, शांति दी लगियो 9963868064। और अंग्रेजी लिखने वालों के लिए अलग देता हूँ 9099996720, फिर से लिखिए 9099996720, फिर या तो 30 या 20 से लेकर के सभी 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 नंबर तक सभी नंबर सेवा में चालू रहते हैं, अविरत चालू रहते हैं। पर कृपा करके रात्रि में फोन न करें, दिन में ये बात करें, शांति से मैं पूरा समय दूंगा। धन्यवाद, ईश्वर आपका भला करे और सबका विश्व का कल्याण हो। और मेरे पास भी एक प्रपोजल है कि सारा विश्व भय मुक्त यदि करना हो तो होम्योपैथी की 3-4 दवाइयां संसार भर के अंदर भेज देनी चाहिए। और मैं कहता हूँ बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर का मतलब कहते हैं वो, अभी कहते हैं ना अभी हमारे क्या ट्रिलियन डॉलर की दवाइयां जा सकती है और वो बहुत ही कम दामों में। उसका नाम है आर्सनी कल्ब, कैम्फर, चाइना 30, ऐसे मुख्य मुख्य दवाइयां हैं। कैम्फर कई तरह के, कैम्फर में लोअर प्रॉन्ग कैम्फर चलता है, हायर चलता है, मदर टिंचर चलती है। सीखे, ऑनलाइन सब मिल जाएगा आपको, सीखने के लिए सभी दवाइयों के बारे में जानकारी मिलेगी। आप पूछिए, फिर से यूट्यूब को पूछिए, गूगल को पूछिए, आजकल तो गूगल गुरु है। मेरे पास तक नहीं पहुंच सकते, घबराए नहीं, मेरे से फ़ोन करना तो मेरे से पूछ लीजिए, मेरे से अच्छा गूगल में आपको जानकारी मिलेगी। और बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, होम्योपैथी चिकित्साओं की बहुत प्रेरणा है और होम्योपैथी दवाइयाँ तुरंत असर करती हैं। धन्यवाद।